सर बीजेपी क्या नंबर ढूंढ रही है? आज रिजल्ट आ रहा है एमसीटी दिल्ली में। ठीक है, हम कभी नंबर नहीं ढूंढते, नंबर हमें ढूंढते हैं। क्या नगर निगम चुनाव, हम कंफर्टेबली नंबर वन पार्टी बनेंगे। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एक हंग हाउस आने वाला है और उसमें हमारी सबसे बड़ी पार्टी। सर ये एमसीडी का चुनाव है और इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्या आप उन लोगों को जो लोग ये आपके विचारधारा से जुड़ना चाहें या जुड़ रहे हैं, क्या आप उनको अपनी पार्टी में जगह देंगे? निसंदेह देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज पे हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार करके, हमारी राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी को, हमारी राम मंदिर की आइडियोलॉजी को स्वीकार करके अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है तो हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तब एमसीडी को तीन फाड़ में किया था, आज कांग्रेस का जो हश्र हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपको कांग्रेस का हश्र खराब लग रहा है, मैं मानता हूँ कांग्रेस ने एक अच्छी रिकवरी की है और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा चिन्ह है। एक सीट से ज्यादा आप पिछले बार जब एक सीट उनको मिला था, आप एक सीट से ज्यादा कह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो पार्टी अभी 2 साल पहले 4% के वोट पे चली गई थी और अगर आज वो 10-12% के वोट पे वापस आई है तो हमें उनको बधाई देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी अब टी पार्टी मूवमेंट अमेरिका की तरह नहीं रही, अब वो 8-9 साल अपने सत्ता में है, क्या आप कहेंगे उनके अचीवमेंट को एमसीडी में? देखिए, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, आप इस जब ये चुनाव का नतीजा पूरा आ जाए तो आप एनालाइज कीजिएगा, जो उनके 49 पार्षद पिछली बार आए थे उनमें से अधिकांश हार रहे हैं। तो क्या आपने जो अपना एक सुकेश, सत्येंद्र जैन और पैसा जो आपने रखा था, तीन बड़े मुद्दे करप्शन के, क्या उस पर आपको जीत मिल रही है इस वोट पिंग? क्या जीत क्या हार ये सब अभी बात की बात है, 2 घंटे बाद ज़्यादा अच्छी लगेगी जीत और हार की बात करना। तो मगर एक बात पक्की है कि नतीजा जिस ओर जा रहा है वो एक चीज़ जरूर कह रहा है, जीते हारे कोई भी मगर अरविंद केजरीवाल को अब सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। यदि सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर रहे, आपने जिन पॉइंट्स को उठाया था, करप्शन के पॉइंट को उठाया था, यदि आप जीत जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, यदि नहीं जीत पाते तो क्या आप अपने पॉइंट्स पे कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, निसंदेह हम कंटिन्यू करेंगे। दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार का जनमत लिया है वो ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। आखिरी में क्या नंबर आप एज्यूम कर पा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, कितना आप नंबर आप अचीव कर पाएंगे? हम हाफ डे मार्क के आसपास होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।